नमस्कार दोस्तों, आशुतोष डे म्यूजिक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने आप सबों के बीच लेसन नंबर 3 लेकर आया हूं और इसमें मैं बताने वाला हूं जो कि फ्लूट के ऊपर सारे गामा पा धा नि सा कैसे बजाया जाए। और इसमें मैं बताने वाला हूं जो कि सा बजाने की मूल सीक्रेट, सा कैसे बजाए, सा को कैसे साधे ताकि हमारे सारा सुर बहुत अच्छे से लगे और बहुत अच्छे से हम बजा पाए। तो दोस्तों, कहते हैं जो कि सा साधने के लिए, और अगर यदि सा आपकी सध जाए तो सारे अपने आप सध जाता है। तो सबसे पहले हम सा को ही साधेंगे और सा से ही हमारी और सुर जो है लगना शुरू होगा तरीके से, क्योंकि जब तक हमारी सा अच्छा नहीं हो जाता तब तक हमारी सुर कोई भी अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले सा बजाएंगे। जो सा बजाने की तरीका ये है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था जो कि सा 3 होल क्लोज करेंगे और एयर ब्लो करेंगे तो सुर बजेगा सा। दोस्तों, जितनी लंबी आपकी सांस होगी उतना ही बढ़िया आपकी सुर होगा, और सुर के साथ साथ ये होगा जो कि जैसे ही आपकी सा प्रॉपर रूप से लगना शुरू होगा तो फिर क्या होगा जो कि आप जो एयर ब्लो करते हैं यहाँ से तो आपकी लिप की वो सेटिंग हो जाता है। सेटिंग होने से फ़ायदा ये होता है जो कि आपकी लंबी सांस होगी और लंबी सांस के साथ साथ में आपकी सुर अच्छा होगा, फिर आप तरीके से बजा पाएंगे। तो इसीलिए सा को बिल्कुल एकदम अच्छे से साधना है, और जब आपकी पता चले जो नहीं हफ्ता दिन 10 रोज़ 15 महीना रोज लग जाएगा आपको थोड़ा साधने में, क्योंकि सुर साधना ये तो प्रार्थना है दोस्तों, तो इसीलिए इसको विधिवत तरीके से प्रॉपर रूप से करना होगा आपको। ऐसा नहीं है जो कि आज मैंने सा लगा लिया कल से हो गया, नहीं। और दूसरी नंबर बात है, सा जब भी हम लगाएंगे तो बिल्कुल आहिस्ता एकदम प्यार से लगाएंगे। यहाँ से लिप से हमारे एयर जो है बहुत कम मात्रा में इसमें आएगा। तो देखिए ऐसे होता, बिल्कुल आराम से आहिस्ता से लगाना है आपको, बिल्कुल नहीं घबराना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी में फिर नहीं हो पाता। और आराम से आप करेंगे तो सब कुछ होगा और सब संभव है, कोई कठिनाई नहीं है। आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सा लगाएं, और सा लगाएं तो एक दो बार नहीं, थोड़ी देर रुक जाए बीच में, थोड़े से पानी वानी पी करके फिर से प्रॉपर रूप से बढ़िया से प्रिपेयर होकर के फिर से करें, पर करते रहें, क्योंकि ये जब तक आप नहीं कर लेते हैं, सा को नहीं साध लेते हैं तब तक और सारे गामा पा धा नि अच्छा नहीं होता। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सारे गामा पा धा नि सा कैसे होता। दोस्तों, हर सुर पे आपको रुकना है, होल्डिंग नोट जिसे कहते हैं, होल्ड होना है, रुकना है, क्योंकि रुकने से आपके सुर में अच्छा मेलोडी होता है और उसके साथ साथ क्या होता है ना जो कि आपकी सांस बढ़ता है। इसका कोई शॉर्टकट कुछ नहीं है, इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको मिल जाएगा, कोई शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। तो इस वजह से आप बिल्कुल विधिवत तरीके से करें, प्रॉपर रूप से करें और करते रहें। तो मैं सारे गामा पा धा नि सा अभी बता रहा हूँ आपको। जब आपकी इसमें बढ़िया से हो जाएगा ये सारे गामा पा धा नि सा तो दोस्तों अपने आप आपके फिंगरिंग जो है वो एक्सपीड आएगा,
और एक्सपीड के साथ साथ क्या होगा, जो कि आप जो चीज़ इसमें सोचेंगे, जो कुछ बजाना चाहेंगे वो बजेगा तरीके से, फिर आपकी एक्सपीड आ जाएगा इसमें। एक्सपीड आएगा, जब एक्सपीड आएगा तो ही जा करके आप अच्छा कर पाएंगे, अच्छे बजा पाओगे। तो ये है जो कि सबसे पहले आप सा ही लगाएं, और सा के साथ साथ में जो है आप धीरे धीरे फिर उसके बाद ऊपर की ओर बढ़ता जाए। सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा। ये संगीत की मूल मंत्र है और इसे ही सरगम कहते हैं, इसे ही संगीत की अंग कहते हैं, संगीत का सब कुछ यही है, सारे गम अपादन यही सुर है। तो इसको सबसे पहले सा को ही साधना है, क्योंकि सा जब तक नहीं सधेगा आपकी तब तक जो है रे बजाना उचित नहीं होता। और बिल्कुल होल्ड करके आप बजाएं, बिल्कुल प्यार से बजाएं, कोई इतराज नहीं, कोई घबराना नहीं है, कहीं नहीं कुछ हो रहा, और प्यार से आप करते रहें तो जरूर होगा, अवश्य होगा, ये दावे नहीं मैं वादे के साथ कहता हूँ। अब कुछ भी, फिर जब आपकी सुर अच्छे से कान पक्के हो जाते हैं, सुर आपकी माइंड में आ जाता है, फिर कुछ भी आप सोचेंगे तो वो चीज़ आप बजा पाएंगे। जैसे अभी मैंने सोचा, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। दोस्तों ये थोड़े से एडवांस लेवल में है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप प्रॉपर रूप से सीख पाए, हमारी मकसद ही है आपको सिखाना, ऐसा नहीं है जो कि हमारी मकसद कुछ और है। तो इसलिए आप जो है, हम जो कहते हैं वो आप करते चलिए, तो बिल्कुल अच्छा होगा ही, होगा ही नहीं, होगा ही 101% है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल नहीं देखिए, जैसे मैंने सोचा वैसे बज गया। यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, मॉ टू पॉ में थोड़ा एयर ज़्यादा मारना होता है, अगर तो उतने में रह जाएंगे आप फिर तो सुर वहाँ पे खट जाता है। ये होता है। तो दोस्तों आशा है, उम्मीद है जो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इससे कुछ सीख पाएंगे। आप कुछ सीखेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, और आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि हमारी मतलब ये नहीं है जो कि हम ठीक है भाई अपना काम कर रहे चैनल के ऊपर, नहीं, हमारी मतलब ये है जो कि आप सीखें, आप उन तक पहुँचाएं वीडियो, जिनके पास कि सीखने की सुविधा नहीं है, जिनके पास प्लॉट नहीं है। और मैं आगे और कुछ करने वाला हूँ, जिनके पास प्लॉट भी नहीं होगा उनको प्लॉट भी देने वाला हूँ। तो संगीत से जुड़िए, म्यूजिक से जुड़िए, हमारे चैनल आशुतोष डे म्यूजिक को सब्सक्राइब करिए, और गाते रहिए, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। तो आज की ये हमारी लेसन हुआ थ्री लेसन में आपने सीखा जो कि सा कैसे लगाना है। फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम आपसे मिलते हैं, और फिर आपको हम बताएंगे इसमें लोअर ऑक्टेव के बारे में, हायर ऑक्टेव के बारे में, और मध्य ऑक्टेव के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए हम आपको इतना सा हो गया, बहुत काफ़ी है, तो हमें दीजिए इजाज़त, और हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में। तो जाते जाते सब्सक्राइब तो बनता है ना, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, और अपने दोस्तों से भी करवाइए, अपने यार दोस्त जितने भी हैं, भाई बंधु सबसे करवाइए, और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, क्योंकि सीखना ही एक बहुत बड़ा कला है। कुछ भी है दुनिया में वो सीखने का आप चेष्टा रखिए, कोशिश करिए, तो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर रुकनी नहीं चाहिए, ज़रूर।